Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ आवर पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल प्रैक्टिकल्स. आज हम कुछ प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे रिलेटिंग विथ प्रीमियम फॉर गुडविल. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रीमियम फॉर गुडविल. आज हम उसके कुछ और प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं. ओके, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ प्रॉफिट शेयर उस नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है. तो वो ये चाहता है कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो कैपिटल के साथ साथ कुछ अमाउंट उनके लिए भी लाए. तो इसलिए जब नया पार्टनर एंटर होता है तो वो कुछ अमाउंट पुराने पार्टनर्स के लिए भी लेकर आता है, बिकॉज पुराने पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है. तो वो अमाउंट जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर की कंपनसेशन के लिए लेकर आता है, उसकी भरपाई के लिए लेकर आता है, बिकॉज उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, तो जब एक नया पार्टनर एंटर होता है तो वो कुछ अमाउंट एज अ कैपिटल लेकर आता है और कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है. यानी कुछ अमाउंट लेकर आता है पुराने पार्टनर्स के लिए जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है. ओके, फिर हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे कि अगर फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था कि अगर जो नया पार्टनर है वो प्राइवेटली न्यू पार्टनर्स को अपना शेयर दे देता है, मतलब जो भी उनका गुडविल का शेयर बनता है वो उनको प्राइवेटली पे कर देता है. तो मैंने आपको बताया था इस केस में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, बिकॉज इस केस में जो डायरेक्टली पैसा है वो किसके पॉकेट्स में गया है? पार्टनर की. तो यहाँ पे फर्म कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा. नेक्स्ट केस हमने डिस्कस किया था कि जब पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा लाता है और कैश में लेकर आता है. तो मैंने आपको बताया था कि हमें दो एंट्रीज पास करनी होती हैं इस टाइम पे. एक तो पैसा आया फर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया वो हम डाल देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो कैपिटल के लिए है तो उसमें हो जाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो अब प्रीमियम फॉर गुडविल है वो जो पार्टनर लेकर आया है वो किसके लिए लेके आया? उन पार्टनर्स के लिए जिन पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है. तो अब फर्म को वो अमाउंट डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. किसको? ओल्ड पार्टनर्स को. तो नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को. तो हम कैसे करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वी कैन से सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हम पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया. और किस वजह से क्रेडिट किया? प्रीमियम फॉर गुडविल के शेयर के लिए. तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और मैंने आपको बताया था कि जो नया पार्टनर शेयर लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. किस रेशो में? सैक्रिफाइजिंग रेशो में. क्योंकि वो अमाउंट किस लिए लेकर आ रहा है? कि पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है, तो जिस हिसाब से उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उसी रेशो में हम उस अमाउंट को जो वो लेकर आ रहा है उसे डिवाइड करेंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में डिवाइड होगा पार्टनर्स में? सैक्रिफाइजिंग रेशो में. इसीलिए हमने सैक्रिफाइजिंग रेशो फाइंड आउट करना सीखा था. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया अमाउंट गुडविल का फॉर्म में से या नहीं किया, तो हम ये मानते हैं कि उसने विड्रॉ नहीं किया, यानी पैसा जो है वो फॉर्म में ही रहेगा और हम सिर्फ ये दो एंट्रीज पास कर देते हैं. बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया पैसा, तो यानी फर्म में से पैसा चला गया, तो अब इस केस में हम एक एडिशनल एंट्री यानी एक और एंट्री पास करते हैं, दैट इज़
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. अब फर्म में से कैश चला गया और किसने निकाला? पार्टनर्स ने. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने लास्ट एंट्री में क्या किया था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो पैसा डाल दिया था. अब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसमें से वो पैसा निकाल लेंगे. क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा. बट हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जो गुडविल का अमाउंट है वो फॉर्म के अंदर ही रहेगा और पार्टनर कुछ भी विड्रॉ नहीं कर रहा. फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. रोहित और मोहित दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1. दे एडमिटेड गोपाल इनटू पार्टनरशिप. उन्होंने गोपाल को एंटर किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर. विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम रोहित एंड मोहित. और ये जो 1/4 शेयर गोपाल को मिलेगा वो इक्वली ले रहा है किससे? रोहित से और मोहित से. यानी हाफ वो ले लेगा, 1/4 का हाफ ले लेगा वो रोहित से और 1/4 का हाफ वो ले लेगा किससे? मोहित से. क्लियर है? तो यानी वो सैक्रिफाइस कैसे कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1. क्लियर है? नेक्स्ट इज गोपाल ब्रिंग्स 780,000 एज कैपिटल. गोपाल 780,000 कैपिटल के लेकर आता है और 1,80,000 एज गुडविल. और 1,18,000 एज गुडविल. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज. और हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो पार्टनर जो है वो क्या लेकर आया है? जो गोपाल है वो 780,000 कैपिटल के लेकर आया है और गुडविल के कितने लेकर आया है? 1,18,000. क्लियर है? हाँ, एक और बात, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि गुडविल प्राइवेटली पेड है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि वो जो गुडविल का अमाउंट है वो फॉर्म में लेकर आया है. क्योंकि नॉर्मली जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल का अमाउंट फॉर्म में ही लेकर आता है. ओके? जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि वो प्राइवेटली उनको पे कर रहा है तब वो हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे प्रीमियम फॉरवर्ड बिल की. ओके? तो अब देखो फॉर्म में कितना पैसा आ गया? 780,000 प्लस 1,18,000, यानी कितना पैसा आ गया हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आ गया कितना? 8,98,000. और इसमें से कितना पार्ट कैपिटल का है? 2 गोपाल्स कैपिटल. गोपाल की कैपिटल कितनी है? 780,000. तो 2 गोपाल्स कैपिटल कितना हो जाएगा? 780,000. और गुडविल का अमाउंट कितना है? 1,18,000. तो हम क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1,18,000. ओके? तो अब एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट? अब नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करनी होती है? हमें ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसमें? पुराने पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है. 1,18,000 है तो अब हमें डिवाइड करना है किसमें? रोहित और मोहित में. रोहित और मोहित ने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है? 1:1. तो ये जो अमाउंट है वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1 में. यानी 59,000 हो जाएगा रोहित का और 59,000 हो जाएगा मोहित का. क्लियर है? मैं बार बार बता रही हूँ कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होगा वो न्यू पार्टनर्स में, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. बिकॉज जो न्यू पार्टनर जो पैसा लेकर आया है वो इसलिए लेकर आया है बिकॉज ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके सैक्रिफाइस की भरपाई करनी है. क्लियर है? तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा. तो ये हो गया 1,18,000, 59,000 एंड 59,000 प्रीमियम फॉर गुडविल. अब डिवाइड करना है, पार्टनर्स को देना है कितना? रोहित को कितना देना है? 2 रोहित कैपिटल अकाउंट
कितना 59,000 मोहित को देना है टू मोहित कैपिटल अकाउंट 59,000। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? प्रीमियम फॉर गुडविल, सो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 1,18,000, राइट। तो एंट्री हो गई हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू मोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले गुडविल आ गई फॉर्म में, फिर हमने उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और अब देखो क्या इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि पार्टनर्स ने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया या नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो गुडविल का अमाउंट है वो फर्म में ही रहेगा, फर्म में ही रिटेन रहेगा। तो हम विड्रॉल की एंट्री कोई भी नहीं पास करेंगे, सिर्फ ये दो एंट्रीज पास करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या होगा, पार्टनर्स जो हैं वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चे, 3:2। इज इट क्लियर? दे एडमिटेड सी इन टू पार्टनरशिप, उन्होंने सी को पार्टनरशिप में एंटर किया फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए वो एंटर कर रहे हैं? 1/5 शेयर, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, जो वो एक्वायर कर रहे हैं, जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से, किस रेशो में, 2:1 में। यानी सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए, और वो एक्वायर करेगा ए और बी से ये अमाउंट किस रेशो में, 2:1 में। तो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गई, 2:1। सी ब्रिंग्स 5,10,000 एज कैपिटल, सी जो है वो 5,10,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है, एंड 75,000 एज गुडविल, और 75,000 वो गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है। 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, और 50% जो है वो विड्रॉ कर लिया पुराने पार्टनर्स ने। अब मेंशन है कि जितना भी उनको मिला गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर से, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ कर लिया फॉर्म में से। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है और न्यू रेशो भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। अब देखो ओल्ड रेशो क्या है बच्चे हमारे पास, ओल्ड रेशो है हमारे पास, ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। ओल्ड रेशो है 3:2, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5, और वो इस शेयर को किस रेशो में ले रहा है, 2:1। यानी सी जो है वो 1/5 का 2/3 पार्ट किस से लेगा, ए से, और 1/5 का 1/3 पार्ट किस से लेगा, बी से, ठीक है। यानी सी ने ए से कितना पार्ट ले लिया, अपने शेयर का 2/3, और सी बी से कितना ले लिया, 1/3। तो ए ने सी को कितना दे दिया, 2/15, और बी ने कितना दे दिया, 1/15, ठीक है। अब देखो ए का शेयर कितना था, उनकी 3:2 रेशो थी ना, तो उसका शेयर कितना था, 3/5। अब उसने सी को कितना दे दिया, 2/15, राइट। तो अब ए का न्यू शेयर कितना हो गया, 7/15। बी की बात करें तो बी का शेयर कितना था, 2/5, उसने कितना शेयर दे दिया सी को, 1/15, तो उसका अब न्यू शेयर हो गया 5/15। क्लियर है, सी का शेयर हमें गिवन है 1/5, तो ए का न्यू शेयर निकाल लिया, बी का न्यू शेयर निकाल लिया, सी का निकाल लिया। अब रेशो कैसे निकालेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, ए का कितना है, 7/15, बी का कितना है, 5/15, और सी का कितना है, 1/5। तो रेशो क्या होगी, 7:5:3, ओके। सो न्यू रेशो हमने निकाल ली, 7:5:3। क्लियर है,
पहले तो हमने न्यू रेशो फाइंड आउट कर ली, अब हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। अब देखो बच्चे, वो सी जो है वो 5,10,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है और 75,000 किसके लेकर आ रहा है, गुडविल के। तो फॉर्म में पैसा कितना आ गया, टोटल फॉर्म में आ गया हमारे पास 5,85,000। तो सबसे पहले तो हम कैश अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे, 5,85,000। उसमें से सी की कैपिटल कितनी है, 5,10,000। तो क्या कर देंगे, 2 C's कैपिटल कितनी, 5,10,000। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेकर आ रहा है वो, 75,000। ठीक है, वो लेकर आ रहा है टोटल 5,85,000, जिसमें से 5,10,000 कैपिटल का है और 75,000 गुडविल का है। फर्स्ट एंट्री पास हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, और डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशो में। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो शेयर है वो ए और बी देंगे किस रेशो में, 2:1 में। तो सैक्रिफाइजिंग रेशो क्या हो गई, 2:1। तो अब देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 75,000। अब वो बांटनी है ए और बी में, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए'स कैपिटल अकाउंट और टू बी'स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, 2:1। 75,000 का 2/3 ए को मिल जाएगा, 75,000 का 1/3 बी को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि उन्होंने 50% अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया। ए का कितना बनता है, 50,000, तो यानी इसने 25,000 विड्रॉ कर लिया। बी का कितना है, 25,000, तो इसने कितना विड्रॉ कर लिया, हाफ यानी 12,500। तो टोटल हमारी फॉर्म से कितने पैसे चले गए, 37,500। तो 2 कैश अकाउंट, 37,500। ए ने कितना विड्रॉ कर लिया, 75,000। अब ए के अकाउंट से निकालने भी पड़ेंगे ना, पहले हमने ए को दिए थे उसके अकाउंट में डाल के, अब निकालने हैं तो ए को क्या कर देंगे, डेबिट। ए'स कैपिटल अकाउंट 25,000, बी'स कैपिटल अकाउंट 12,500, बिकॉज अब इन्होंने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। ओके बच्चे, होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल। डी जो है वो 2/9 शेयर के लिए एडमिट हुआ है और कितना लेकर आ रहा है वो, 30,000 कैपिटल का और 10,000 गुडविल का। क्लियर है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:2:1, और पुरानी कितनी थी, 4:3:2। सबसे पहले वो क्या लेकर आ रहा है, 30,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 की गुडविल लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लाने की एंट्री कर देते हैं, कैश कितना आ गया फॉर्म में, 40,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 40,000, 2 D's कैपिटल कितनी है, 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000। ओके, ये एंट्री तो हो जाएगी पास। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, अब हमें ये जो 10,000 गुडविल का जो लेकर आया है डी, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल का अमाउंट होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइजिंग रेशो, उस अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितना जितना सैक्रिफाइस उन्होंने किया है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो ये देखो, ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है, तो क्या हम सैक्रिफाइजिंग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइजिंग शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक पार्टनर का, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी पहले कितना शेयर था और अब कितना शेयर है, तो ये माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है उसका, सैक्रिफाइस। फिर सभी पार्टनर्स का सैक्रिफाइस फाइंड आउट करके हम उसकी रेशो बना लेते हैं। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हम ए का सैक्रिफाइस फाइंड आउट करते हैं। ए का पुराना शेयर कितना था, 4:9, राइट, ए का पुराना शेयर कितना है, 4:9, और नया शेयर कितना है,
थ्री बाय नाइन, देखो प्लस करो ना, थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस टू दैट इज नाइन, यानी उसका नया शेयर कितना हो गया थ्री बाय नाइन, पहले कितना था फोर बाय नाइन, अब कितना है थ्री बाय नाइन, तो माइनस करो कितना सेक्रीफाइस कर दिया करा, यानी उसने वन बाय नाइन। ओके अब बी की बात करें तो बी का शेयर पहले कितना था थ्री बाय नाइन, बी का था थ्री बाय नाइन, अब कितना है बी का टू बाय नाइन, तो कितना बी ने सेक्रीफाइस कर दिया वन बाय नाइन। ओके अब देखते हैं सी का सेक्रीफाइस, सी ने सी का पहला शेयर कितना था टू बाय नाइन, अब कितना है टू बाय नाइन, दैट मीन्स बी पहले भी टू बाय नाइन शेयर लेता था, अब भी टू बाय नाइन शेयर लेता है, यानी नए पार्टनर के आने से सी के शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया अपना शेयर, तो सेक्रीफाइस किसने किया है ए और बी ने, तो यानी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो भी किसके बीच में होगी ए और बी के बीच में, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है वन बाय नाइन, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है वन बाय नाइन, तो अब इसकी रेशियो बना लेते हैं, तो रेशियो कैसे ए ने वन बाय नाइन, बी ने वन बाय नाइन, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी वन बाय वन। तो अब देखो जो सी 10,000 लेकर आया है वो किसको मिलेगा ए और बी को, बिकॉज सेक्रीफाइस किसने किया है ए और बी ने, और किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है वन रेशो वन, क्लियर है, और सी को कोई भी कुछ भी शेयर नहीं दिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, बिकॉज सी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, क्लियर है। तो अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 10,000 वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, किस रेशो में वन रेशो वन में, ए का हो जाएगा 5,000 और बी का कितना हो जाएगा 5,000, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल 5,000 टू बीज कैपिटल 5,000, क्लियर है, होप आपको क्लियर होगा। तो मतलब कहने का मतलब है ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट उसी को दिया जाएगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल एक कंपनसेशन है किसके लिए सैक्रिफाइस के लिए, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है नए पार्टनर के आने पे उसकी उसकी भरपाई है, उसकी कंपनसेशन है, तो जो सैक्रिफाइस करेगा और जिस वे में सैक्रिफाइस करेगा उस वे में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, बार बार बता रही हूँ कौन सी रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो। होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। मोहन और सोहन दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चे 5:3। ओके दे एडमिटेड रोहन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, उन्होंने रोहन को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/4। आफ्टर रोहन्स एडमिशन मोहन एंड सोहन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब रोहन के एडमिशन के बाद मोहन और सोहन ने सोचा कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इक्वली, यानी वो आपस में कैसा शेयर रखेंगे इक्वल शेयर, मोहन और सोहन अपना इक्वल शेयर रखेंगे, ठीक है। सोहन ब्रिंग्स 6,75,000 एज कैपिटल एंड 45,000 एज गुडविल, वो 6,75,000 कैपिटल का लेकर आ रहा है और 45,000 गुडविल का लेकर आ रहा है। एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, हमें एज्यूम करना है कि अमाउंट जो है वो रिटेन किया जाए बिजनेस में, अगर नहीं भी मेंशन होता तो हम यही एज्यूम करते हैं कि रिटेन हुआ। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव, और हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कौन एडमिट हुआ है रोहन, किसने कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए,
और ये गिवन है कि रोहन के एडमिशन पे मोहन और सोहन ने ये डिसाइड किया है कि वो आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उनकी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो अब देखो देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि मोहन, सोहन और रोहन हम तीनों जो हैं वो इक्वल शेयर करेंगे, उन्होंने ये बोला कि हमारे बीच में जो रेशो रहेगी वो इक्वल रहेगी, क्योंकि रोहन का तो हमें शेयर गिवन है ना 1/4। तो अब देखो टोटल शेयर हो गया 1, लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर 1 हो गया। उसके बाद रोहन का हमें पता है रोहन का कितना शेयर है 1/4, यानी कितना शेयर बच गया रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया बच्चे 1 - 1/4 यानी 3/4। अब रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 3/4। तो अब ये शेयर किसका है, ये शेयर है मोहन और सोहन का, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मोहन और सोहन ने डिसाइड किया है कि वो जो आपस में शेयर रखेंगे वो क्या कैसा रखेंगे इक्वली, यानी ये जो रिमेनिंग शेयर है मोहन और सोहन, पहले तो ये रिमेनिंग शेयर इन दोनों के आगे रख दो 3/4 और 3/4, ये जो रिमेनिंग शेयर है वो इक्वली शेयर करेंगे, दैट विल बी 1/2, दैट मीन्स 1/2 इसका, क्लियर है। तो 3/8 जो है वो हो जाएगा मोहन का, और सोहन का कितना हो जाएगा 3/8। तो अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, देखो मोहन का शेयर कितना है 3/8, सोहन का शेयर कितना है 3/8, रोहन का शेयर कितना है 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:3:2, क्लियर है। अब ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 3:3:2। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि गुडविल का अमाउंट गिवन है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले से ही क्यों ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली जाए। तो ओल्ड रेशियो है 5:3, न्यू रेशियो है 3:3:2, राइट। तो अब मोहन का देखते हैं, मोहन का पहला शेयर कितना था 5/8, अब शेयर कितना है, न्यू रेशियो क्या है 3:3:2 यानी 3/8, यानी मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/8, क्लियर है। पहले उसका 5/8 था, अब रोहन के आने के बाद उसका 3/8 हो गया, तो यानी कितना कम हो गया उसका, कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने अपना शेयर 2/8। ऐसे ही बात करें सोहन की, तो सोहन का शेयर कितना था 3/8, और अब नया उसका शेयर कितना है 3/8, यानी उसने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया, बिकॉज देखो ना 1/4 रोहन को 1/4 देना था और 1/4 ही मोहन ने सैक्रिफाइस कर दिया, यानी रोहन के आने पे सारा सैक्रिफाइस किसने किया मोहन ने, सोहन ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया, समझ गए, क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकलेगी नहीं, बिकॉज दो पर्सन ने तो सैक्रिफाइस किया ही नहीं, सारा सेक्रीफाइस किसने किया मोहन ने, क्लियर है। तो अब देखो एंट्री पास करते हैं, कैपिटल आ गई 6,75,000 और गुडविल आ गई 45,000, सो कैश अकाउंट डेबिट टोटल आ गया 7,20,000 टू कैपिटल कितनी है 6,75,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 45,000। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है मोहन, क्योंकि सारा किसने सेक्रीफाइस किया है मोहन ने, तो ये सारा का सारा जो गुडविल का अमाउंट है वो किस में चला जाएगा मोहन के कैपिटल अकाउंट में, क्लियर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, उसके शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो दैट मीन्स सारा सेक्रीफाइस मोहन ने किया है, तो हमने क्या किया जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो किसको दे दिया मोहन को दे दिया, क्लियर है। होप आपको ये क्लियर होगा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे मोटिवेशन देती हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करूँ,
और अपना जितने एफर्ट्स लगा सकती हूँ उतने लगाऊँ. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.